और गुमला जिले के सिसई प्रखंड में 115 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जी हां, जांच में 5 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसपी और एसडीओ ने सिसई प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर का हाल जाना है। बाहर से काफी हमारे प्रवासी लोग आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे रेड जोन से भी आ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग को सतर्कता बरतनी है और जो प्रोटोकॉल है डिस्ट्रिक्ट एडिशनल की तरह से पूरा पालन उसका किया जा रहा है। तो हम लोग बहुत अर्जेंसी हो तभी घर से बाहर निकले, लॉकडाउन का पालन करें, 144 धारा लागू है। वैसे भी क्वारंटाइन सेंटर में ही था पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये लोग जितना आदमी से मिला है वो सबका ट्रेस करने का भी काम हम लोग शुरू किया है। और ये 5 आदमी को हम लोग आइसोलेशन वार्ड जो हमारा सदर अस्पताल में चल रहा है वहाँ भेजा है। और यहाँ हमारा जितना आदमी है उन लोगों का भी रैंडमली कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए उन लोगों का सैम्पलिंग करने का डिसीजन।